पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मंगलवार को दोबारा चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा सांसद व पाटन से प्रत्याशी विजय बघेल व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने पाटन में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी। साथ ही 16 नवम्बर को प्रचार के दौरान की गयी वीडियो रिकॉर्डिंग जाँच कराने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोबारा जांच की जाए। 17 तारीख वोटिंग थी, उससे पहले 15 तारीख शाम को शोरगुल के साथ चुनाव प्रचार थम गया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार करना था, घर घर जाकर। ये चुनाव आचार संहिता के तहत नियम है, लेकिन 16 तारीख को चुनाव के लगभग 24 घंटे पहले 16 तारीख शाम से बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री जी थे उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नारेबाजी के साथ झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और तत्काल हमने टेलीफोनिक सूचना यहाँ के मैडम पंगाले जी को दिया और वहाँ के मैंने SP से भी बात की, कलेक्टर से बात की और वहाँ पे SDP वगैरह भी थे। और जब मैंने ये शिकायत हमने की और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से भी हमने सूचना दी और यहाँ से भी उसकी शिकायत की गई प्रमाण के साथ, मगर वहाँ पे जांच के नाम पे एक औपचारिकता निभाई गई। मैडम का कहना है कि हम दुर्ग जिला भेजे, दुर्ग जिला के चुनाव अधिकारी से हमने इस बात की जानकारी दी और जांच करने को कहा, तो जांच के नाम पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और हम उससे असंतुष्ट हैं और इस बात को लेके हम दिल्ली गए और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर हमने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। तो हम हाई कोर्ट दिल्ली गए और हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिला कि अगर आप उसके जाँच से असंतुष्ट हैं तो एक बार फिर से जाके प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में अधिकारी से बात करिए और हम उसी के तहत आज यहाँ पे आए हैं और पूरा हम प्रमाण के साथ वीडियो फुटेज के साथ हमने ये दावा किया है कि आप जांच करिए और जांच में हमारे भी लोग जाएंगे। बाजा जो बजा रहे थे वो कांग्रेस के टी-शर्ट पहने हुए थे चुनाव प्रचार के, वो प्रमाण दिख रहा है, फुटेज में दिख रहा है और झंडे लहराए जा रहे थे, नारे बुलवाए जा रहे थे, ये पूरा प्रमाण के साथ है और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि 48 घंटे के अंदर दूसरे एक अधिकारी के माध्यम से इसको जांच कराएंगे और देखते हैं जांच में क्या मिलता है। हमारे पास सारे प्रमाण हैं, सारा प्रूफ है और एक गरिमामयी पद में रहने वाला व्यक्ति इस तरह चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिए हैं, उसके खिलाफ हम आज आए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम फिर से न्यायालय के शरण में जाएंगे, निश्चित रूप से वहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग चुनाव के समय भी शराब जो बांटे जा रहे थे, शराब पकड़ा रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक ऐसे अधिकारी प्रमोटी अधिकारी को 3-3 पद दे के रखे थे उसकी भी जानकारी हमने दी थी, उसको भी नहीं हटाया गया। और साथ ही साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र पाटन में वहाँ के जो प्रत्याशी हैं अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, 15 तारीख को चुनाव थम गया, साइलेंट चुनाव प्रचार चल रहा था। उन्होंने कहा है कि मैंने उस समय तत्काल मैंने कलेक्टर से बात की थी, कलेक्टर ने कहा कि कोई का ऐसी मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब वहां जो ऑब्जर्वर थे पाटन में, क्या सोए हुए थे ऑब्जर्वर? क्या कर रहे थे हमारे साथ? तो हर पल हर क्षण वहाँ के ऑब्जर्वर एक कैमरा लिए एक वीडियो लिए घूम रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। लेकिन क्या भूपेश बघेल को खुली छूट दी गई थी? ये शक पैदा करता है चुनाव आयोग के ऊपर और इसमें तत्काल संज्ञान ले। अरे जो चोरी कर रहा है उसी को आप जांच में बिठा रहे, ऐसा कभी होता है क्या? और ऐसे बीजापुर की स्थिति अभी महेश भाई बताएंगे, क्या मजाक बना के रख दिया चुनाव को? हम भी 15 साल सरकार में थे लेकिन हमने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया, शालीनता पूर्वक चुनाव संपन्न हुए। मगर 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह छत्तीसगढ़ को इन्होंने एक अपराध का अड्डा बना दिया, इस चुनाव के दौरान भी पता नहीं चुनाव आपको अपनी कठपुतली समझ कर ये लोग काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का कृत्य दिख रहा है, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं का कृत्य दिख रहा है।
ये सब बर्दाश्त से बाहर है, और कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर शक पैदा ना हो ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, नहीं तो कल जाके अगर चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगा तो लोगों के मन से लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जो है वो हट जाएगी और लोग मतदान करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सबके माध्यम से कि दिल्ली के भी उस चुनाव आयोग में बैठे प्रमुख अधिकारियों से भी इसको तत्काल संज्ञान मिले और कार्रवाई करे। मैडम ने कहा है कि हम उस पर संज्ञान में लेके उस पर हम जांच कराएंगे और उस पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे, ये बोली है। कानून अगर नहीं होगी तो हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन हम इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।